नमस्कार। भगवान के बिना इतनी बड़ी सृष्टि कैसे चलती? समय समय पर जब हम भगवान को याद करते हैं तो वो किसी ना किसी में रूप में आके हमारी मदद जरूर करते हैं। कभी द्रौपदी की साड़ी बनकर, कभी नर से नारायण बनकर, कभी माँ बाप के रूप में, कभी बच्चे के रूप में, कभी किसी दोस्त के रूप में, या पता ही नहीं होता हमें कि कौन आके हमारी कई बार मदद कर जाता है। हम कहते हैं कि अरे मुझे तो विश्वास ही नहीं था मेरा ये काम हो जाएगा, पता नहीं कैसे हो गया। तो सच्चे मन से उसको जब भी हम याद करेंगे तो वो कोई ना कोई रूप धार के हमारी मदद जरूर करेंगे। भगवान ने चक्र, गदा, बांसुरी या धनुष बाण लेके हमारे सामने नहीं आना। हम सोचे कि भगवान उस रूप में आके खड़े हो जाएं, वो कोई ना कोई रूप धार कर जब भी हम उसको सच्चे दिल में याद करते हैं तो वो हमारी मदद करते हैं। हम हमेशा दो नावों में सवार रहते हैं, आधे दुनिया की तरफ आधे भगवान की तरफ। जिस दिन दुनिया का को त्याग कर सिर्फ उसका सहारा हम कहेंगे, भगवान अब तेरे सिवा मेरा कोई नहीं, तू ही मेरी मदद कर, कैसे करेगा, तो उस दिन उसको किसी ना किसी रूप में आना ही पड़ेगा। प्रेमियों ने जब भी भगवान को पुकारा है वो किसी ना किसी बंधन में बंध के जरूर उसकी मदद करने के लिए आते हैं। प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेम के बंधन में मोहन बन गए, प्रेम के बंधन में मोहन बन गए। द्रो
तन में मोहन बन गए, प्रेम के बंधन में मोहन बन गए। भात नरसी भक्त का उसने भरा, भात नरसी भक्त का उसने अगर आपको मेरा भजन अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।